वेलकम टू टेक्निकल सूरज क्लासेस 3 में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट ने व्हाट्सएप के जरिए बता रहे थे कि सर 21 से 24 सेशन का रिजल्ट कब आएगा। सर 21 से 24 सेशन यानी कि बीए और बीएससी का रिजल्ट कब आएगा। डियर स्टूडेंट, आपका रिजल्ट यानी कि बीकॉम का 24 यानी कि मार्च को जारी कर दिया गया था, 24 मार्च को जारी कर गया था। इसके बाद जब रिजल्ट जारी किया, इसमें आधा से ज़्यादा बच्चों को क्रॉस कर दिया गया है। 24 तारीख को जब आपका रिजल्ट जारी हुआ तो आधा से ज़्यादा बच्चा को, 24 तारीख को जैसे रिजल्ट आया तो आधा से ज़्यादा बच्चों को क्रॉस कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि रिजल्ट में आप सबका डिले हो रहा है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादातर क्या हुआ, कॉलेज का स्टूडेंट को सब्सिडरी और ऑनर्स में 1 से 5 नंबर देख यानी कि 1 या 5 नंबर से फेल किया है। तो ये आपका कॉपी शायद रीचेकिंग हो रहा है, फिर से कॉपी चेक हो रहा है, इसी कारण आपका बीएससी और बीए का रिजल्ट में देर हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम टीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, अभी तो टीएमयू के तरफ से ना तो ऑफिशियल नोटिस आया है ना ही कुछ हम बता सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैं एक्यूरेट आपको डेट बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। डियर स्टूडेंट, अभी जो है आपका दीक्षांत समारोह का सेलिब्रेशन चल रहा है, दीक्षांत समारोह टीएमयू यूनिवर्सिटी में मनाने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि दीक्षांत समारोह के बाद आपका रिजल्ट आने का संभावना है। निखिल, आपका यानी कि टीएमयू का ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है। अगर आपको अभी कहीं बता रहा है कि ऑफिशियल नोटिस आया है तो आप ये गलत बता रहा है। क्योंकि बीकॉम के रिजल्ट के बाद इतना ही ख़राब रिजल्ट दिया, क्योंकि स्टूडेंट सब पूरा धांधली करने लगे, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाके आवेदन किए। हमको लग रहा है ये आपका कॉपी फिर से रीचेकिंग कर रहा, और बीकॉम का कॉपी और ये साइंस जो आपका है बीएससी का कॉपी बाहर गया था चेकिंग करने के लिए, तो इसमें आपका रिजल्ट को गड़बड़ कर दिया गया था, जिसके कारण बीकॉम का रिजल्ट ना तो ये देखिए टीएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी अपलोड नहीं किया है। देखिए अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे है तो इस पे भी आपका अपलोड नहीं किया है। डियर स्टूडेंट, आपका फाइनली मेरे एक यानी कि एक्यूरेट डेट बता रहा हूँ, इसके अनुसार शायद आ सकता है आपका रिजल्ट आपका 25 के बाद, यानी कि 25 के बाद आपका बीकॉम का रिजल्ट आएगा, बीकॉम का रिजल्ट आपका आ चुका है, लेकिन टीएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है। हमको लग रहा है 5 से 6 दिन में ये भी अपलोड हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके बाद आपका रिजल्ट 25 तारीख को या 26 को मे भी आ सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लग रहा है कि दीक्षांत समारोह के बाद टीएमयू का जो प्रोफेसर हैं आनंद जी, उन्होंने निर्णय लेंगे। तो आपका रिजल्ट 25 के बाद 27 या 28 को बीकॉम का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। मैं पार्ट 2 का जूलॉजी ऑनर का सजेशन दे दिए हैं, आप अवश्य देख लेंगे। आपका 18 तारीख पेपर फर्स्ट का एक क्लियर करके जाइएगा, आप तैयार कर ले, आपका पूरा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। प्रिय स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नोटिस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।